हम एक प्रबल साधन बनते हैं लोगों को आनंद और खुश रखने के लिए। मुझे लगता है कि ऐसा बड़े अर्थ से आज बहुत स्वार्थी बनो, फिजिकल डिस्टेंस लोगों में रखो, जो भी नियम बोले उसके पूरा पालन करो। गुरुजी ने, श्री श्री गुरुजी रविशंकर जी ने अभी कहा है कि 30 जुलाई तक सब ने खबरदारी लेना चाहिए, केयर लेना चाहिए खुद की। जितना काम करेंगे खुद का केयर लेने का उतना अच्छा होगा, ऐसा गुरुजी का भी संदेश है। मैं आप सबको विनती करूंगा कि आज तो भाग्य ऐसे है कि अमरनाथ की आरती देखना आज के दिन, वाह, कभी सोचा भी नहीं था मन में भी। कल तक जब तक मेरी बात नहीं हुई मिश्रा जी से, कल तक मुझे मालूम नहीं था कि मैं आज ये दर्शन का लाभार्थी होऊंगा। उनकी वजह से और गुरु कृपा की वजह से और महादेव शंकर जी की कृपा से मुझे लगता है कि भाग्य हमें मिला है। हम धन्य हो गए, जीवन में इतना धन्यता का क्षण कभी नहीं था। देश के लिए 12 ज्योतिर्लिंग में रुद्राक्ष पूजा होना, उसी दिन भगवान शंकर का दर्शन होना और अमरनाथ के परिसर में जाके दर्शन होना, ऐसा भाग्य बिल्कुल मेरे, मतलब आज का दिन मेरे जीवन में सुवर्ण अक्षर में लिखना चाहिए, ऐसा होने वाला है। मैं गुरुजी के प्रति बहुत धन्यवादी हूँ। मिश्रा जी है और सब लोगों के बारे में मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आप आकर, आप जय गुरुदेव कहता हूँ, जय गुरुदेव। आपने आकर अपने शब्दों द्वारा हमें आशीर्वचन किया। आप काफी समय से आध्यात्मिक जगत की दुनिया में परमार्थ की सेवा कर रहे हैं। आप घृतेश्वर ज्योतिर्लिंग है, एवरीबडी नो घृतेश्वर ज्योतिर्लिंग, जस्ट लिव नियर विद दिस एंड थैंक यू वेरी मच अंकुश दादा, प्रणाम आपको और प्रणाम। सो इन द आरती वी हर्ड अबाउट त्रिगुण, एक चीज आपने सुनी, आप भी गाते हैं घर में कि त्रिगुणा स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। सुख संपत्ति तो एक तरफ है, लेकिन जो त्रिगुणा स्वामी है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दैट, एनीबॉडी कैन शेयर? त्रिगुणा स्वामी मीन्स ऑल द थ्री, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीनों के देव हमारे महादेव। बाकी सबके पास एक एक अलग अलग डिपार्टमेंट भी है, लेकिन हमारे शिव ऐसे हैं जिनका तीनों गुण वो आपके बराबर कर सकते हैं। तो वी आर सो ब्लेस्ड टुडे कि हम आज शनि प्रदोष के दिन 12 ज्योतिर्लिंग की तो करें ही साथ में, और हम सभी ने साथ में एक आरती भी सुनी वहां की, और आरती की आखिरी लाइन उठाकर भी मैंने आपको बनाया। क्या होते हैं सत्वगुण, क्या होते हैं रजोगुण, क्या होते हैं तमोगुण, ये आप सबको नॉलेज है, एवरीबॉडी नो यू, है ना? वो कभी कभी आपको फेरने की जरूरत पड़ती है। मैं आपको वापस कहता हूं कि शिव परिवार, शिव परिवार मीन्स शिव, पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय, दंडी, ये अपने आप में मैसेज देते हैं कि परिवार में कितनी विषमता है। शिव परिवार में आप जाते हैं दर्शन करने, लेकिन एक उस दृष्टि से देखें कितनी विषमता उस परिवार में, सांप भी है, विष भी है, अमृत भी है, बैल भी है, मोर भी है, चूहा भी है। तो ऑल कैन यू बिलीव दिस, ऑल थिंग कैन लिव टुगेदर। तो शिव परिवार आप जिसको मानते हैं, पूजा के दर्शन करके आते हैं, रुद्राभिषेक करके आते हैं, जरा वहां से ये भी सीख लें कि इस परिवार के सदस्यों के वाहन क्या क्या है। और वही हमारे घर में हमारे परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ा इधर उधर होता है, हम विचलित हो जाते हैं, अलग रहना है। तो शिव परिवार, आज का प्रदोष काल का सबसे मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, शिव परिवार जो हमने जाना आज, उससे हमारे मन मुटाव परिवार के सदस्यों के पीछे वो छोड़े। और अगर कहीं भी मन में मन रूपी अहंकार आए तो याद करें शिव परिवार को, एक शिव परिवार भी है जो एक साथ रहता है। यस, तो टुडे वी आर गोइंग टू सरेंडर ऑल आवर
relationship problem. And Dada, we do the prayer for 10 minutes for all the COVID-19 patients. And just I would like to share with you कि हम ये संकल्प 25 मार्च से हमारे सभी लोगों के कारण संभव हो पाया है और 31 मई तक हमने उसको रेगुलर रखा क्योंकि लॉकडाउन खुल गया था तो उस कारण से हमने सबको बोला हम घर घर पे करें और हम हर शनिवार ऐसे संयुक्त रूप में है और आज का दिन मेरे लिए विशेष का शनि प्रदोष काल है वो तो विशेष है श्रावण का प्रदोष काल है वो विशेष है लेकिन आज हमें सबको अंकुश दादा का सानिध्य मिला ये विशेष कर मेरे लिए और ज्यादा विशेष है ना? तो आइए हम सब लेट्स वी डू द प्रे फॉर द COVID-19 पेशेंट्स ओके जस्ट कीप योर बोथ हैंड लाइक दिस दोनों हाथ ऐसे रख लें कीप द बोथ हैंड लाइक दिस वॉच योर शोल्डर्स आर पैरेलल और नॉट आपके कंधे बराबर पैरेलल हैं टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाए नमस्कार मुद्रा में ऊपर मिला ले एंड फील सम फोर्स इज पुलिंग यू अप शरीर को कोई खींच रहा है जाने दें हाथों को ऊपर जाने दें गर्दन को ऊपर जाने दें कंधों को ऊपर जाने दें शरीर को ऊपर जाने दें नाभि तक जाने दें लॉर्ड शिवा इज पुलिंग यू अप जस्ट फील लाइक दिस एक और श्वास भरे वो खाली करते करते दोनों हाथों को सामान में लेकर आए Think of your deity, अपने आराध्य को याद करें जो भी आपका आराध्य है who is your deity? Become aware of your praying room, आपके प्रार्थना स्थल में जहां पर भी आप घर में प्रार्थना करते हैं वहां पर अपना ध्यान लेकर आए नो रिकॉल योर डेट ऑफ बर्थ आपका जन्म दिनांक याद करें You remember your nakshatra, you can recall your nakshatra also. Now become aware of your name. What is your name? Is paanch tatv ka asthayi sharir ka jo naam hai, us naam ko yaad karein. Now become aware of the center point of chest. And recall the person face to whom you love most. जिससे सबसे अधिक प्यार करते हैं उसका चेहरा आंखों में लिख रहा है शरीर में कहीं भी दर्द पीड़ा कोई व्याधि हो वहां पर अपना ध्यान लेकर जाए बिकम अवेयर ऑफ द पार्ट ऑफ द बॉडी वेयर यू हैव एनी टाइप ऑफ पेन और एनी टाइप ऑफ क्रोनिकल हेल्थ इश्यू
शरीर की समस्त पीड़ाएं अपने साथ लिए अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर पुनः लेकर आए। एंड एनी टाइप ऑफ पेन फ्रॉम योर रिलेशंस, कोई भी रिश्तों का दर्द, रिश्तों का अभाव, उस पर अपना ध्यान ले आए। इस अस्थाई शरीर की शारीरिक व्याधि पीड़ा के साथ रिश्तों का भी जो अभाव या पीड़ा है, उसके साथ अपना ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आए। बिकम अवेयर ऑफ योर थर्ड आई। कीपिंग अटेंशन ऑन योर थर्ड आई, चेंट ओम। ओम one time more now become aware of your कंट्री फ्लैग, आपका देश का जो भी ध्वज हो, उस पर अपना ध्यान ले जाए। ध्वज के साथ साथ आपके शहर के आसपास के अस्पताल, जहां कोई भी मरीज हो, COVID-19 के पेशेंट्स हो, लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस। से पूरे शहर के अस्पताल, प्रदेश के अस्पताल, पूरे देश में जहां जहां भी COVID-19 के पेशेंट्स हैं, कलेक्टिवली लेट्स प्रे, हील एंड ब्लेस। Now become all one and pray for all over globe, beyond your religion, beyond your country, all over the globe, anyone suffering from COVID-19 or any type of health issue, let's pray, heal and bless. Just become aware of your throat area, कंठ पर अपना ध्यान, and just pay the gratitude to all the doctors, paramedical staff, sisters, those are putting their life in a danger and serving for the patients. कोविड के पेशेंट्स के लिए लगे हुए डॉक्टर, अस्पताल का स्टाफ, कृतज्ञ हूं सबके प्रति। प्रशासन, जो भी सुरक्षा कर्मी हैं, जो एहतियात बरतते हैं, मास्क पहने, लेट्स प्रे, हील एंड पे द ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ देम। Mm-hmm.
जब युवक एक साक्षी भाव से अपना एक हाथ अपने सर पर रखें एंड लेट प्लेस दिस फाइव एलिमेंट बॉडी अंडर योर पाम, जो भी इनकी समस्या है, परेशानी है, शारीरिक रिश्तों से, मानसिक कोई भी अभाव, लेट्स प्रे हील एंड ब्लेस फॉर दिस बॉडी। Now let's pray for all the group participants, whatever their moderation worries. Let's pray each other. स्थान पर अपना ध्यान ले जाए जहां आपका हाथ और सर का भाग स्पर्श कर रहा है, क्राउन चक्र। ब्रिंग योर अटेंशन वेयर योर हैंड योर हेड बोथ आर मीटिंग द प्लेस। Remove your hand, put on your knees, सर से हाथ हटाकर अपने घुटनों पर रखें। श्वास अपने आप आ और जा रही है। योर ब्रेथ स्टेबल इफ योर बॉडी इज स्टेबल। शरीर को स्थिर रखें। कोई भी प्रयास न करें, विश्राम, जस्ट टेक ए रेस्ट। तेरी काया है दर्पण उसी का, तेरे दिल में है साया उसी का, तेरी आंखों में उसका इशारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। तू ही सागर है, तू ही किनारा, ढूंढता है तो किसका सहारा। पाप क्या पुण्य सारे भुला दे,
कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, पाप क्या पुण्य सारे भुला दे। कर्म कर फल की चिंता मिटा दे, ये परीक्षा ना होगी दोबारा। ढूंढता है तू किसका सहारा। Become a wave of your name again. अपने नाम पर अपना ध्यान लाए। अपने शरीर पर अपना ध्यान लाए। प्रार्थनात्मक मुस्कान के साथ, कृतज्ञ मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज, बिकम अवेयर ऑफ योर लिप्स अलोंग विद द स्वीट स्माइल एंड कीप द योर वाटर ग्लास रेडी। पानी का ग्लास हाथ में रखें। पुनः अमरनाथ ये दर्शन आपने करें, वहां पर अपना ध्यान ले जाए। बिकम अवेयर ऑफ अगेन इट होली दर्शन ऑफ अमरनाथ गुफा एंड ड्रिंक द वॉटर, पानी का सेवन करें। Good. Yes, we did good. Yes. Today we want to talk with Adi. How are you, Adi? He's a small boy. I love him a lot. I am good here, yes. How are you? Gareji. How are you? You always meet on Saturday, Sunday, right? Very good, very good, very good. How are you, Pradam Guruji? Blessing. Kamal beta, kaise ho? Bilkul badhiya, aapka aashirwad hai Guruji, aap kaise ho? Dr. Washington kaisa hai? Corona ko lekar? Mahakal ke chadno mein. Aap lockdown mein aap kya hai? Nahi, lockdown matlab kam hai, activity kam hai, dheere dheere sthiti thodi si stable ho rahi hai. I think it's getting better. लेकिन US में बहुत सारे states वापस lockdown में जा रहे हैं फिर, क्योंकि जैसे ही लग रहा है इधर भी लग रहा है atmosphere ऐसा। Blessings. तो दादा, we do the prayer like this. अपने हिसाब से प्रार्थना हम करते हैं और एक announcement है मेरा विशेष कि आने वाला 11 अगस्त 2020 हमारा पांचवा global healing day होगा, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है हर ग्लोबल हीलिंग डे हम अलग अलग कंट्री में बनाए, मलेशिया, दुबई, और कितने लोग साथी होते हैं हमारे साथ में। ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्योंकि ड्यू टू कोविड वी आर डूइंग टू वर्चुअल। हम सब मिलकर अंकुश दादा से निवेदन करते हैं कि 11 अगस्त को दादा आप जरूर उपस्थित हो हमारे बीच में। उस ग्लोबल प्रार्थना की मंशा सिर्फ ये है, जरूर जरूर एक दिन साल में और एक दिन के कुछ पल ऐसे होना चाहिए जब अपने धर्म, अपनी जाति से ऊपर उठ, भले अपन अपनी अपनी भाषा में एक मानव धर्म के लिए प्रार्थना करें। वह मानव धर्म जो हर व्यक्ति में मौजूद है, जो ईश्वर ने बनाकर भेजा, धर्मों में हमने यहां पर बांटा। तो उस ओरिजिनिटी को पुनः चलते हैं। एक दिन 11 अगस्त 5 साल से ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं और इस बार वाकई 11 अगस्त वर्चुअल होगा। जितने भी कंट्री के लोग हैं, आप सब लोग रेडी रहें,
एंड 11 अगस्त को मिलेंगे और 8 और 9 को हमारे सेशंस होंगे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का, भस्मा योगा का एंड थर्ड आई मेडिटेशन, वो सब प्रोसेस आपको पता लगेंगे। बट अपना टाइम रहिएगा 11 अगस्त को ग्लोबल हीलिंग डे। हाउ मेनी पर्सन वी नॉट नेवर इन्वॉल्व एनीथिंग, जस्ट योर टाइम डोनेशन इज द मेन फॉर मी। आप जो समय दे रहे हैं ये भी एक प्रकार का बड़ा दान है। एक घंटा आप इस आहुति में आपने जो अपने समय की आहुति दी, ये आपकी ऊपर इसका बैलेंस बनेगा। ओके, कल 11 बजे हमारा भस्म योगा सेशन रहेगा। एनीबडी वांट टू जॉइन दे कैन जॉइन, है ना। 11 o'clock भस्म योगा सेशन। अंकुश दास, सो नाइस, सो लवली टू सी यू एंड जस्ट सी। आप देखिए हमारा प्रेम भी आपस का, हमें शायद 24 घंटे से ज्यादा बात किए नहीं हुए। इसी समय हमारी बात हुई थी एक हमारे सोनी जी लोकल इंदौर के, उन्होंने कहा महाकालेश्वर दादा से मैंने बात की, दादा बोले ये करना है, वो कर दिया। आज हमारे बीच में है, वी आर सो ब्लेस्ड दादा दैट यू गिव योर आपकी उपस्थिति। धन्यवाद। सो एनीबडी वुड लाइक टू शेयर समथिंग? जया, सुमित्रा, मेन जया वॉशिंगटन सिएटल, कृष्णा जी, दे आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द मेकिंग द फ्लायर फॉर द अवर ग्लोबल हीलिंग डे कलेक्टिवली। इट्स नॉट बिलोंग टू एनी इंस्टीट्यूशन, इट्स नॉट बिलोंग टू एनी। दादा हम लोग जो करते हैं ना, हमारा एनजीओ नहीं दादा, कोई ट्रस्ट नहीं है, बस एक परिवार के रूप में हमने प्रार्थना करते हैं। ऐसा ही चाहिए, कोई बड़ा हस्ती आता है तो हम लोग बड़े गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो हम सब तैयारी करेंगे 15-11 अगस्त की। जया जी, वुड यू लाइक टू से समथिंग? थैंक यू गुरुजी, प्रणाम। या सो लाइक हाउ गुरुजी मेंशन, कृष्ण जी आज नए हैं, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड ऑन द फ्लायर एंड एडिट्स बन रहे हैं फ्लायर की। अभी वी काइंड ऑफ हैव अ फाइनलाइज्ड वर्शन, अभी स्केड्यूल सब थोड़ा फ्लूइड है। गुरुजी दूसरे कंट्री के फॉलोअर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि वो बहुत सारे प्रोग्राम्स दे रहे हैं। इस बार इट्स लाइक टू मेनी। 8th August Saturday, August 9th Sunday, August 10th Monday और August 11th Tuesday, both morning 3-4 घंटे और शाम 3-4 घंटे सब दे रहे हैं divine astro vastu healing, kundalini yoga, भस्म योगा, थर्ड आई मेडिटेशन और बहुत इनोवेटिव आइडियाज है गुरुजी के पास। तो हम वही हम सबसे भी पूछ रहे हैं कि कैसे रहेगा फीडबैक एंड ऑल दैट। तो अभी स्केड्यूल कंफर्म नए हैं, बट आई थिंक गुरुजी वो फ्लायर जो ऑलरेडी हमने बनाया है वो अगस्त 11th का कंफर्म्ड है, रात इंडिया की टाइम 8:30 to 9:30 है रात। और 8th, 9th, 10th जो सब लोगों को कन्वीनियंट होगा, सब कंट्रीज के लोगों की, उसका कोऑर्डिनेशन अभी कर रहे हैं। अभी गुरुजी के फेसबुक साइट में आप जाएंगे तो हिज फेसबुक आईडी, उन्होंने वो फ्लायर जो हमने बनाया है वो अपडेट किए हैं। एंड जस्ट अ रिमाइंडर, ये वर्चुअल इवेंट है और आई थिंक ही विल फ्लोट इट ऑन यूट्यूब का भी हम जैसे पहले बनाए लास्ट ईयर एंड ऑल दैट। आई थिंक पीपल विल टॉक अबाउट इट एंड जब वो हो जाएगा प्लीज रिक्वेस्ट सबके साथ आप शेयर कीजिए हु ऑल कैन बेनिफिट फ्रॉम इट, क्योंकि ही हैज लॉट्स टू ऑफर। बहुत सारे इवन फॉर पीपल हु हैव ऑलरेडी डन इट, हमारे लिए रिफ्रेशर होगा। जो नए लोग इसके बेनिफिट ले सकते हैं उन सबको भी आप फॉरवर्ड कीजिए। एंड आई थिंक स्केड्यूल शायद 1-2 दिन में फाइनलाइज हो जाएगी। एंड कीप योर कैलेंडर फ्री, 8, 9, 10, 11 प्लीज कीप योर कैलेंडर फ्री एंड इट इज गोइंग टू बी ऑसम एंड ही हैज लॉट्स टू ऑफर। एंड सब इकट्ठे मिलेंगे लाइक टू रिपीट व्हाट ही सेज, टू रेज अबव आवर रिलीजन, फेथ, कंट्री, जेंडर, कास्ट, क्रीड, प्रे फॉर अ फ्यू मिनट्स फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी एंड दैट इज सो एसेंशियल नाउ गिवन द कोविड टाइम। वी वर ऑल इन लॉकडाउन एंड थोड़ा सुधरी हुई लगी। अब मैंने गुरु जी से फिर रिक्वेस्ट किया, गुरु जी प्लीज डेली ग्लोबल हीलिंग कीजिए, एवरीवेयर इट्स स्प्रेडिंग लाइक बैंगलोर, बैक होम माई टाउन, इन हैदराबाद, सो मेनी ऑफ आवर लाइक क्लोज फैमिली फ्रेंड्स एंड पीपल्स फैमिली मेंबर्स आर इन्फेक्टेड नाउ। एंड देन इधर भी यूएस में भी इतने सारे केसेस, इवन वेयर वी आर इन सिएटल एंड ऑल दैट। तो मैं गुरु जी से वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हूँ, गुरु जी प्लीज अभी हीलिंग का जरूरत है, इट्स वेरी एसेंशियल, प्लीज रोज रखिए ना, it's very panicky. So anyway, thank you all for listening to me and keep your calendars free again, the whole 8th, 9th, 10th
and 11th. Thank you all. Today the we have one Pam. Her name is Pam. She is from New York and she's been connected with me so long after 5-6 years. And due to that, the COVID-19 is everywhere, spreading. But this type of element always there. Hamesha asur sampada, dev sampada rahegi. Abhi ye rakshas rupi jo corona hamare paas aaya hai, isse hamara bachav hum kaise rakhe, is par dimag laga hai. Prarthana to hum karenge. Mask ka, jaise government ne bataya, mask laga ke rakhe. Just make a distance, physical distance rakhe. हाथ को कर देने सैनिटाइज, बस ये प्रिकॉशंस को साथ में लेके चलें. तब पहले हम अपने आप को, जिस प्रकार अंशुल दादा ने बोला कि अपने आप को सतर्क रखो कि कोरोना से कोई भी बड़े से बड़ी आ जाए वो हमें डिस्टर्ब नहीं करे. अभी कोरोना खत्म होगा फिर नया कुछ आएगा, तो बी स्ट्रांग. और आपको स्ट्रांग करने के लिए 8, 9, 10, 11 अगस्त एक अच्छा मैं आपको दे रहा हूँ ऑफर, आप देखिए करिएगा, ज्वाइन करिएगा. जस्ट आई नीड योर टाइम, ओके. And Dubai, Kanchan, Vishesh, especially Gehani, because Neha is not active at present, Neha unable to contact, you have to take the initiative from Dubai. And New York, Vandana and Eri, and Bala, they are from Seattle and Washington DC. And all of the cities, like Rinkuji from Bangalore, Sri Raman from Chennai, Vinuji is from Pune. So everybody I know, eager to work. Let's storm up, let's take care. Blessings to all. Take care of yourself. Take care of your smile. Apna dhyan rakhe. Apno ka dhyan rakhe. Moderation or surrender, worries, chinta, sab is urja mein chhod dein. Apne saath sirf ek cheez rakhe, wahi smile. Hai na? Anshu dada, dhanyawad. Aaj aapne itna samay diya hamare beech mein. Hamara parivar, Kartajnya Hua Divine Story parivar. Aur par Kartajnya Hua se hum aapko pranam karte hain. Aur sabko ek baar bolte hain. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. धन्यवाद.